जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री माहौरी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माहौरी के व्लॉग्स में। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं तो मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो मेथी के पराठे कुछ अलग बना रही हूँ आज। मैंने जो मेथी के पराठे के लिए हम आटा गूंथते हैं तो उसमें गेहूँ का आटा गूंथा है उस, और प्लस उसमें मैंने मंडुआ का आटा गूंथा है, यानी कि जो रागी का आटा बोलते हैं वो भी मैंने इसमें गूंथ रखा है। ये पराठे कल मैंने अपने छोटे भाई के घर में खाए थे, मेरी छोटी भाई भी ने बनाए थे गीता ने, तो वो कुछ अलग तरह का टेस्ट उनका आ रहा था, यानी कि करारे लग रहे थे एकदम, तो बहुत बढ़िया वाले। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी इसी तरह के पराठे बनाती हूँ। तो ये बना रही हूँ पराठे, तो क्योंकि वहाँ मैंने पराठे खाए थे तो थोड़े मेरे को काले काले से नज़र आए, जैसे कि रागी का आटा होता है, मंडुआ का आटा काला, तो लेकिन खाने में वो अलग टेस्ट उनका। मैंने कहा चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ, पर ये अभी काले काले दिख रहे हैं लेकिन लग रहा मेरे को कि ये भी क्रिस्पी होंगे एकदम खाने में सॉफ्ट। तो मैं बना रही हूँ। तो इस तरह बने थे पराठे, सारे पराठे मैंने बना लिए हैं और जतिन ने पराठे खा लिए। जतिन कैसे थे बेटा? बहुत बढ़िया। टेस्ट अलग था और दिनों से क्रिस्पी थे ना? और मैं बोली हाँ हाँ बोल रहा है, तू भी बता कुछ। बहुत बढ़िया बने थे। अच्छे बने थे। हाँ। और ये हलवा भेजा है इसके लिए, इसके मामा ने, तो हलवा इसने कल शाम को भी खाया, कल रात में भी खाया ना। बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया। तो मैंने कहा इसको अपने मामा जी को बोल, मामा जी बहुत अच्छा हलवा बन रखा है, थैंक यू बोल दे। कह रहा बोल तो रहा हूँ, मामा जी को क्या बोलना है ना। हाँ जी, बहुत अच्छा रहा है गाजर का हलवा। तो यहाँ पे बैठे हैं पराठे खाने के लिए, मेथी के पराठे एक एक करके खिला रही हूँ। पहले जतिन को खिलाया, अब इन्हें खिला रही हूँ, क्योंकि गरम गरम पराठे खाने होते हैं। कैसे लग रहे भाई? बढ़िया हैं, करारे हैं। एक जाट मेरे से एक मंडुए का आटा मंगाता था, किस बहुत पहले बोलता था मंडुए का आटा ला हमें इस तरीके से खा देंगे, तब मैं सोचा था कैसे खाता होगा, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वो इसीलिए मतलब इसका तो पक्का खाते होंगे। मंडुए के आटे के साथ ये मिला के परांठे अच्छे हो रहे हैं, टेस्ट है। गीता ने बनाए थे ना तो कल मेरे को वहाँ पर अच्छे लगे, वो अलग टेस्ट लगा उनका, इसका अलग टेस्ट है। हाँ, तो इस तरह ज़रूर बनाएं आप लोग भी, एक बार बना के देखें, इसका टेस्ट आप मतलब अलग आ रहा है ना, करारा करारा हो रहा है इससे। हाँ, क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम करारे हो रहे हैं और खाने में सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है कि करारे बाहर से हाथ लगाएंगे तो करारे लगेंगे जैसे ना, मुंह में करारा लग रहा है, कड़कड़ रहा है, वैसे सॉफ्ट है। हाँ, ये करारा सा दिख रहा है लेकिन ये खाने में सॉफ्ट है एकदम बढ़िया। और हलवा भी आ रखा है, ठीक है हलवा भी खाएंगे फिर, आ रखा है तू। कल रात तो नहीं खाया आपने, कल भी तो बोली थी मैं रात को खाने के लिए, रात को मैंने ज़्यादा खाना खा लिया था। अच्छा, तो पहले जतिन को खिलाया फिर इन्हें खिलाया है, और अब मैं थोड़ा सा अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी, अपने लिए बनाऊंगी। मैंने आटा रख दिया है क्योंकि ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं, काश कोई मुझे भी दे देता गर्म गर्म बना के। भूत आएगा? भूत? हे भगवान, देखो जरा इनको, भूत आएगा मुझे बनाने मेरे लिए? तो फिर आप कौन बना के दिए को? क्यों, मैंने आपको बनाए के दिए हैं गरम गरम, तो आप भी तो बना के दे सकते हो। मैं नहीं देता, मेरा काम नहीं है। काम नहीं है? नहीं, क्यों, भगवान ने तो हाथ दो दे रखे हैं मुझे भी आपको भी। ठीक है फिर, इतने साल से नौकरी, मैंने नौकरी करी तो नहीं की, नौकरी नहीं करी तो मैं क्या करी थी भाई? क्या करी थी, अपने घर बैठी रहती थी। मैं भी रिटायर हो गई, अगर आप रिटायर हो गए तो मैं नहीं हुई। खाना मत खाना शाम से। हाँ ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी तो आप भी नहीं आप भी तो नहीं खाओगे तो। बताओ कैसी बातें करते हैं, ऐसे ही करते मेरे से दिन भर, मतलब झूठ मूठ का ही बोल देते, चल ठीक है मैं बना दूंगा। मैं कौन से आपको बनाने, क्यों बोलना आपको बनाने दे रही थी, चलो ठीक है खाओ गरम गरम, और बना देती हूँ। मैंने 2-3 बना दिए थे और ये, और खाएंगे तो मैं और बना दूंगी गरम गरम। चलो ठीक है, मैं आप पानी गर्म करने लगा रखा है, मैं नहाती हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो मुझे टाइम लगेगा। अभी दिन के 2 बजे, तो लंच की तैयारी हमारी हो रही है। लंच मैंने बना दिया पर अभी किया नहीं है, थोड़ी देर में करते हैं, मौसम ख़राब हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी अच्छी खासी और अब बादल हो गए हैं, और मैंने कपड़े सुखा रखे यहाँ छत पर, तो मुझे लग रहा है कि अभी बारिश आ जाएगी, इसलिए मैं छत पर आई हूँ, लेकिन लग रहा है कि अभी नहीं आएगी, थोड़ी देर में आएगी, तो तब तक मैं लंच करके फिर आती हूँ अपने कपड़े लेने। और हवा भी चल रही बहुत तेज़, ओमिक्रॉन का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो दिल्ली में सैटरडे और संडे 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी कि जो आज थर्सडे है, फ्राइडे, इस सैटरडे से ये शुरू हो जाएगा,
तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, घर में रहें, ज़रूरी है तभी बाहर निकलें। पर यह है कि जिन्हें जॉब करना है उनको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, और काम से बहुत काम ऐसे होते हैं कि निकलना पड़ता है बाहर। पर अपना मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क को आप सही से पहने सभी लोग, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, तो इस ओमिक्रॉन नाम का जो वायरस नया आया हुआ है, इसे हम हराएंगे, हम जीतेंगे। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, और मौसम जहाँ पर ज़्यादा ठंडा है तो वहाँ पर इस चीज़ का ज़्यादा खतरा होता है। और हम करते हैं लंच, फिर मिलती हूँ लंच के बाद। अभी शाम के 5:15 बज रहे हैं, तो मैं सो गई थी लंच करने के बाद, क्योंकि बाहर मौसम ठंडा हो गया है, नहीं तो धूप में बैठती अगर धूप होती तो। धूप थी नहीं, मैंने कहा चलो लंच करके थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन मुझे बहुत तेज़ नींद आई, सीधे 5 बजे उठी हूँ, अब 5:15 हो गए हैं। तो ठंडा है मौसम, और बिस्तरे के अंदर ही हूँ, अपनी रजाई ओढ़ रखी है। और शाम का भी हम जो है डिनर जल्दी बना लेते हैं, यानी कि 6 बजे से मैं शुरू कर देती हूँ, तो 1 घंटा लगता है बनाने में, सब्जी रोटी बनाने में, सब्जी काटने में, जो भी है टोटल। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट, लाइक और शेयर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। कल आती हुई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। भलू लगदू मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे, भलू लग